डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, समूची दुनिया ने कोरोना महामारी की भयावहता को नज़दीक से देखा है। करोड़ों लोगों की मौत का कारण बनी इस महामारी के बाद किसी वायरस का जिक्र आते ही कोरोना का खौफ नज़रों के सामने तैर जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही भारत में मिले निपाह वायरस समेत 30 ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया व वायरस की पहचान की है, जो फिर से दुनिया में किसी नई महामारी के हालात पैदा कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये रोगाणु लोगों को तेजी से संक्रमित कर सकते हैं। चिंता यह भी कि इनमें से बहुत कम के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध हैं। यह बात सही है कि चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान के जरिए समय समय पर संक्रामक रोगों के उपचार व इनकी रोकथाम के लिए काफ़ी प्रयास हुए हैं, लेकिन यह चिंता इसलिए करनी चाहिए कि समय रहते रक्षात्मक उपाय नहीं किए गए तो खासतौर से भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देशों के लिए खतरा हो सकता है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में जहां चिकित्सा संस्थान व चिकित्सकों की कमी हमेशा बनी रहती है, कोरोना के दौर में भी इस समस्या से दो चार होना पड़ा था। वैज्ञानिकों की टीम ने 2 साल तक 1652 सूक्ष्म जीवों का विश्लेषण करने के बाद 30 को तो खतरनाक रोगाणुओं की श्रेणी में रखा है। ये ऐसे रोगाणु हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। राहत की बात यह है कि वैज्ञानिक खतरनाक वायरस के तोड़ के रूप में वैक्सीन बनाने में भी जुटे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक जैसे ठंडे इलाके 4 गुना तेजी से गर्म हो रहे हैं, जिसके कारण ऐसे रोगाणुओं के हर साल सामने आने की आशंका है, जो आधुनिक प्रजातियों के लिए घातक सिद्ध होंगे। दुनिया ज्यों-ज्यों गर्म होती जा रही है, मच्छरों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। मच्छर अधिक ऊंचाई वाले इलाकों तक में फैलने लगे हैं। ऐसे में वहां भी मच्छर जनित बीमारियां पनपने लगी हैं। एक बड़ा खतरा किसी भी खतरनाक वायरस का जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने का भी है। कोरोना के दौर में भी इसी आशंका को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। दरअसल बड़ी चिंता जलवायु परिवर्तन और तेजी से होते शहरीकरण की है। WHO ने जिस 30 खतरनाक वायरसों की सूची जारी की है, उनमें आधा दर्जन इन्फ्लुएंजा ए, डेंगू व मंकी पॉक्स फैलाने वाले नए वायरस हैं। सतर्कता ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि चिंता दोनों तरफ की है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने की और दूसरी तरफ वायरस जनित संभावित महामारी के मुकाबले के लिए ठोस उपायों की पाई पराचेंज। जब योजना आयोग अस्तित्व में था, तब आयोग के रवैये से कई मुख्यमंत्री असंतुष्ट थे। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने तो अपनी योजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए आयोग में आने से ही इनकार कर दिया था। उन्होंने दिल्ली में विशेषज्ञों के ऐसे परामर्श दिए जाने पर भी आपत्ति जता दी थी कि राज्यों को लोगों के कल्याण के लिए धन कैसे खर्च करना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वह भी योजना आयोग के उन अर्थशास्त्रियों को नापसंद करते थे जिनका मानना था कि उनके आंकड़े जमीनी स्तर पर अधिक सटीक
तस्वीर पेश करते हैं। बनिस्पत राज्य के अधिकारियों के व्यापारिक घराने भी योजना आयोग से नाखुश थे। उनकी नज़र में योजना आयोग का मतलब था बहुत ज़्यादा योजनाएं और उनका कम क्रियान्वयन। कुछ का सुझाव था कि योजना आयोग को क्रियान्वयन आयोग में तब्दील कर देना चाहिए। सिविल सोसाइटी के लोग भी असंतुष्ट थे। उनकी शिकायत थी कि योजनाओं का फोकस केवल जीडीपी ग्रोथ पर है, जो न तो समावेशी है और न ही पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ। प्रधानमंत्री और योजना आयोग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने समीक्षा का आह्वान किया। सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक घरानों और सिविल सोसाइटी के साथ सलाह मशविरा हुआ। डॉक्टर सिंह ने इन सुझावों का मूल्यांकन किया। सुझाव इस तरह थे कि योजना आयोग को व्यवस्था में सुधार के लिए सुधार आयोग बनाना चाहिए, न कि आर्थिक योजनाओं का निर्माता। बदलावों के लिए प्रोत्साहन की ताकत बनना चाहिए, न कि सिर्फ धन आवंटन करता। उसी दौरान यूपीए सरकार के प्रति असंतोष की लहर के चलते नरेंद्र मोदी सत्तारूढ़ हुए और उन्होंने योजना आयोग को भंग कर उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग से भी खफा हैं और चाहती हैं कि योजना आयोग की वापसी हो। पश्चिम बंगाल में जब कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हुई और उसने हल्दिया सेज की स्थापना के लिए इंडोनेशियाई सलीम समूह और सिंगूर में नैनोकार संयंत्र स्थापित करने के लिए टाटा समूह को आमंत्रित किया, तो ममता बनर्जी उन लोगों के पक्ष में सड़कों पर उतर आई थीं जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। मई 2011 में उन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार के 34 साल के शासन को समाप्त कर दिया। वह योजना आयोग में गई और राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग की, जो पूरी नहीं हुई। पिछली गलतियों को दोहराने से बचने के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। 2009 में यूपीए सरकार जब दोबारा सत्ता में आई तो देश के विकास की कहानी में पहले से ही गहरी दरारें दिखने लगी थीं। विकास तेज था लेकिन समावेशी नहीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि योजना आयोग की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, का लक्ष्य भी तेज, अधिक टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास था। 10 वर्ष बीत गए हैं। नीति आयोग भी भारत के विकास का स्वरूप बदलने में असमर्थ रहा है। असमानता की खाई और चौड़ी हो गई है। निचले स्तर पर आय नहीं बढ़ी है, जबकि करोड़पतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शिक्षित युवाओं के लिए भी पर्याप्त वेतन के साथ अच्छी नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश आपदा में बदल रहा है। महानगरों में भी पीने के पानी की किल्लत हो रही है। पहाड़ ढह रहे हैं, समुद्र तट नष्ट हो रहे हैं, नदियों का पानी जहरीला हो रहा है और भारतीय शहर सबसे प्रदूषित शहर बन गए हैं। भारत सरकार ने माना है कि देश में नौकरियों के अवसर और उद्योग बढ़ाने होंगे। साथ ही अर्थशास्त्री और बड़े औद्योगिक घराने व्यापार बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ तेजी से एकीकृत होने के लिए सीमाओं को और अधिक खोलने पर जोर दे रहे हैं। इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत को 1991 से पहले के समाजवादी युग में नहीं जाना चाहिए, पर उनके पास रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए ठोस उपाय नहीं है।
2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद न्यू नॉर्मल के लिए सिद्धांतों को बदलने का अर्थशास्त्रियों ने वादा तो किया पर वे ऐसा नहीं कर पाए। स्टॉप।